गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई शैल टीच लेसन 6 एक्सेल फॉर्मेटिंग द वर्कशीट. पढ़ाऊंगा आज मैं आपको क्लास 7 में. सभी बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. नेक्स्ट पढ़ेंगे अलाइनिंग सेल वैल्यूज. ठीक, यहाँ से पढ़ते हैं. तो अलाइनिंग सेल वैल्यूज क्या होती है ये देखिएगा. इसमें दे रखा है नंबर्स बाय डिफॉल्ट गेट अलाइन टू द राइट साइड वेयर टैक्स वैल्यूज आर अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ द सेल बाय डिफॉल्ट. दीज डिफॉल्ट अलाइनमेंट कैन बी चेंज्ड इफ नीडेड. इसमें कहा गया कि नंबर्स के द्वारा जो भी नंबर है यानी डिफॉल्ट नंबर बाय डिफॉल्ट आप नंबर को क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं. टेक्स्ट को तो वैल्यू अगर आप देते हैं इसमें, ठीक है, वो भी तो वहाँ पर लेफ्ट राइट ही करना होता है, सेंटर करना होता है अलाइनमेंट में. ठीक है, उसके बाद दे रखा है इसमें सेलेक्ट द सेल्स. उसके बाद चूज फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन क्लिक अलाइनमेंट टैब इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. उसके बाद चूज द अलाइनमेंट नीड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. इसमें कहा गया कि सेलेक्ट करना सेल्स को, उसके बाद चूज करना फॉर्मेट मेन्यू को, इस सेल्स को, सेल्स ऑप्शन को, क्लिक करना अलाइनमेंट टैब इन द टैब में. उसके बाद फॉर्मेट जो सेल्स होगा वो डायलॉग बॉक्स में होगा. ठीक, चूज करना अलाइनमेंट जिस तरह की आपको रिक्वायरमेंट नीड हो यानी आवश्यकता हो उसी के आधार पर आप अलाइनमेंट को यूज कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी टेक्स्ट या नंबर को लेफ्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर करना है तो सेंटर भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं. ठीक, इसमें देखा भी सेट द वर्टिकल अलाइनमेंट इनकेस द रो हाइट इज मोर देन द फॉन्ट साइज. सेट द वर्टिकल ठीक, इसमें सेट करना वर्टिकल अलाइनमेंट, सेट करना वर्टिकल अलाइनमेंट. ठीक, केस रो हाइट के केस में आपको वर्टिकल करना अलाइनमेंट, मतलब अलाइनमेंट के द्वारा आप वर्टिकल कर सकते हैं किसी फॉन्ट को. ओरिएंटेशन सेक्शन कैन बी यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट वर्टिकली और इंक्लाइन टू ए स्पेसिफिक डिग्री ऑफ एन एंगल ओरिएंटेशन सेक्शन के माध्यम से आप उसे वर्टिकली भी कर सकते हैं टेक्स्ट को. ठीक है, या कंप्यूटर की स्क्रीन में डिस्प्ले होगी और ओरिएंटेशन के माध्यम से किसी पेज को लैंडस्केप पोर्ट्रेट किया जा सकता है. उसके बाद रखा है अदर सेटिंग दैट कैन बी चेंज्ड और रैप द टेक्स्ट एक्सीडिंग द सेल लिमिट्स. इसमें कहा गया कि टेक्स्ट को आप लिमिट से रैप कर सकते हैं. ठीक, सेल में लिमिट से आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं. श्रिंक टू फिट में रखा है रिड्यूस द फॉन्ट साइज टू फिट द टेक्स्ट इन सेल. फॉन्ट साइज को कम कर सकते हैं, फॉन्ट जो साइज होता है जो भी हम कंप्यूटर टाइप करते हैं वो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ही फॉन्ट होता है, फॉन्ट में से कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, उसी का हम साइज कम कर सकते हैं सेल. उसके बाद मर्ज सेल क्रिएट अ सिंगल सेल बाय मर्जिंग द सिलेक्टिंग कंसेक्यूटिव सेल्स. क्रिएट करना है सिंगल सेल को बाय मर्जिंग द्वारा. आफ्टर फिनिशिंग क्लिक ओके, उसके बाद फिनिश कर देना और ओके कर देना. फॉन्ट सेटिंग में देखा है द अपेरेंस ऑफ योर वर्कशीट कैन बी इम्प्रूव बाय चेंजिंग फॉन्ट.
फॉन्ट साइज स्टाइल कलर etc. आपको अपने वर्कशीट में इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फॉन्ट, फॉन्ट साइज स्टाइल कलर। फॉन्ट सेटिंग से आप फॉन्ट का साइज कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक, मैंने बताई दिया आपको, जो भी हम कंप्यूटर टाइप करते हैं वो टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट को ही हम फॉन्ट में कन्वर्ट कर देंगे, वही फॉन्ट होता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे दे रखा है इसमें सेलेक्ट द डेटा, सेलेक्ट द डेटा इन द सेल, सेलेक्ट करना है डेटा को सेल में। उसके बाद क्लिक करना फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन फॉन्ट टैब। ठीक, उसके बाद रखा और सेलेक्ट न्यू फॉन्ट ऑफ योर चॉइस एंड स्टाइल लाइक बोल्ड इटैलिक एंड फॉन्ट्स साइज etc. ये फॉन्ट सेल्स के माध्यम से हम फॉन्ट का साइज कम कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, स्टाइल में कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, ओशब डिफरेंट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद देखा सेट द अंडरलाइन नेम इफेक्ट एंड फॉन्ट कलर, सेट करना यानी जो भी फॉन्ट होता है उसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट को कलर कर सकते हैं। सी द प्रीव्यू एंड क्लिक ओके बटन, यहाँ पर आप देख सकते हैं और ओके करना होता है उसके बाद। उसके बाद रखा बॉर्डर सेटिंग, बॉर्डर सेटिंग में दे रखा है यू कैन सेट द बॉर्डर ऑफ डिफरेंट स्टाइल वन कलर्स एंड कलर्स, सेलेक्ट द डेटा हुज बॉर्डर स्टाइल हैज टू बी चेंज, फॉर्मेट मेन्यू सेल्स ऑप्शन क्लिक बॉर्डर टैब इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द न्यू बॉर्डर कलर एंड ए लाइन स्टाइल टू गिव बॉर्डर अराउंड द कलेक्शन क्लिक। इसमें कहा गया कि आप सेट कर सकते हैं बॉर्डर, डिफरेंट तरह के बॉर्डर को आप सेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में कलर में। उसके बाद सेलेक्ट करना था डेटा, किस तरह का डेटा है, डेटा में आप बॉर्डर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट मेन्यू पर जाना और सेल ऑप्शन पे, उसके बाद क्लिक कर देना बॉर्डर टैब पर और फॉर्मेट्स। ठीक, उसके बाद रखा इसमें और बॉर्डर में आप न्यू बॉर्डर लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू बॉर्डर कलर और एंड लाइन स्टाइल जैसे दे रखा है। ठीक, उसके बाद रखा टू गिव बॉर्डर अराउंड द कलेक्शन सेलेक्शन क्लिक और आउटलाइन बटन टू गिव बॉर्डर टू द इंडिविजुअल सेल्स ऑफ द सेलेक्शन, क्लिक इंसर्ट बटन टू रिमूव द बॉर्डर स्टाइल, यू कैन क्लिक द नन बटन, वहाँ पर बॉर्डर को सेलेक्ट करना है। ठीक, और आउटलाइन पर जाना है, उसके बाद वहाँ पर सेल्स में जाकर बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद सेट बॉर्डर टू द सेलेक्टेड स्लाइड साइड्स ऑफ द सेल्स ऑफ अक्रॉस द सेल्स बाय यूजिंग अदर बॉर्डर स्टाइल बटन, क्लिक द ओके बटन। उसके बाद रखा यू कैन आल्सो ड्रॉ द बॉर्डर इन वर्क सीट यूजिंग बॉर्डर बटन ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें कहा गया है कि जिस तरह का बॉर्डर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्लिक करना बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड सेलेक्ट ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन इन इट ए बॉर्डर टूल बार विल अपीयर, और यहाँ से लाइन भी ले सकते हैं, चारों तरफ का बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। ये इसमें बॉर्डर के ऊपर दे रखा था, इससे बॉर्डर से रिलेटेड दे रखा था कि आप पेज का चारों तरफ बॉर्डर तैयार कर सकते हैं, जो भी आप टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लाइन पैराग्राफ उसको बॉर्डर तैयार, उसका बॉर्डर बना सकते हैं अच्छे से, और फॉन्ट को स्टाइल में कर सकते हैं, कलर में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था बॉर्डर के बारे में, और आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।